अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान का आखिरी अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। सो फ्रेंड्स, ये है दिन का टाइम और आज हम एक स्वीट शॉप में आए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि रोज़ेदार को इफ्तार कराने में कितना सवाब मिलता है, तो बस हमने आज प्लान किया है कि अपने घर के आस पड़ोस में और बिल्डिंग के कुछ फ्लैट्स में हमने आज इफ्तारी भेजनी है। तो कुछ चीज़ें तो हम रेडीमेड भेजेंगे इफ्तारी में और कुछ चीज़ें हम घर पे बनाएंगे। तो इस स्वीट शॉप से हम कुछ स्वीट्स यहाँ से लेंगे और कुछ नमकीन भी लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आप भी एक नज़र कौन कौन सी मिठाइयाँ यहाँ पे मिल रही हैं, कितने अच्छे अच्छे कलर्स की और वाकई में बहुत अच्छे टेस्ट की फ्रेश मिठाइयाँ यहाँ पर मिल रही है। अक्सर हम मिठाइयाँ यहीं से लेते हैं तो इनके टेस्ट, मतलब मिठाइयों के टेस्ट का हमें पता होता है कि बहुत लाजवाब मिठाइयाँ होती हैं। तो फिर भी हमने कुछ मिठाइयाँ यहाँ पे टेस्ट की और चेक किया कि कौन सी अच्छी है और कौन सी बेस्ट रहेगी। हालांकि समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी सारी मिठाई देख के तो हम कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि कौन सी लेनी चाहिए। डिस्प्ले में लगी सारी मिठाइयों को आप भी देखिए फ्रेंड्स, और साथ में इनके प्राइजेस भी लगे हैं तो आप इनके प्राइजेस भी जान सकते हैं कि कौन सी मिठाई यहाँ पर कितने की मिलती है। आपकी कौन सी फेवरेट मिठाई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है फ्रेंड्स, और मेरी एक फेवरेट मिठाई नहीं, बहुत सारी फेवरेट मिठाइयाँ हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें हमने यहाँ से ख़रीदनी थी वो हमने ख़रीदी, और क्या ख़रीदी वो आप आगे देखिएगा। और जो चीज़ें हमने घर पे बनानी थी उनकी तैयारी मैंने सुबह से ही शुरू कर दी थी। तो और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जो हम इफ्तार के कुछ टाइम पहले ही बनाते हैं, जैसे कि पकौड़ी, फ्राइम्स और पापड़। वो सारी चीज़ें मैंने इफ्तार के कुछ टाइम पहले ही बनाई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, इफ्तार में भेजने वाले सारे आइटम्स हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। फ्रूट्स हैं यहाँ पर और होममेड आइटम्स हैं और रेडीमेड आइटम्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर लगा दी हैं। तो जो भी चीज़ें फ्रेंड्स बनती जा रही थी ना, मैं यहाँ पर लगाती जा रही थी। और ये देखिए, ये हमने स्वीट्स ख़रीदी थी, छेना मुर्की, बालूशाही और बादाम बर्फ़ी, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लगाती जा रही थी फ्रेंड्स। और मेरे मम्मी पापा इनको अच्छी तरह से सेट करके थाल में, जैसे हमको इफ्तारी में भेजना था ना, उस तरह से अच्छे से सेट करके लगाते जा रहे थे। तो वैसे तो दोनों की ही तबीयत ख़राब चल रही है फ्रेंड्स, लेकिन तो भी दोनों माशाल्लाह से मेरी हेल्प कर रहे थे। तो आप भी मेरे मम्मी पापा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे मम्मी पापा को अच्छी से तंदुरुस्ती दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारी थाल रेडी हो गई है। सारी चीज़ें हमने बड़ी खूबसूरत तरीके से लगा दी है माशाल्लाह, और बड़ी ही खूबसूरत लग रही है ना दिखने में माशाल्लाह। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फ्रूट्स, खजूर सब रखें, और दूसरी तरफ दूसरी प्लेट में ये पकौड़ी सब रखी हुई हैं। ये मैंने बेसन की और दाल की, चने की दाल और मूंग छिलके की दाल की पकौड़ी बनाई थी। ये काले चने बनाए थे फ्रेंड्स, इसको हम घुगनी कहते हैं।
ये बनाए थे, ये खीर बनाई थी और ये सारी मिठाइयाँ जो ख़रीदी थी हमने, और रेडीमेड नमकीन जो ख़रीदे थे, और ये पापड़ और फ्राइम्स यहाँ पर लगाए हैं। तो माशाल्लाह से बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और इसको हमने सबको भेजा इस ये कपड़े से ढककर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।